पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। नाना साहेब कर्माकर 1921 में मूर्ति बनानी शुरू की, 7 साल लगे मूर्ति बनाने, राजे की मूर्ति बनाई। 1928 में वो मूर्ति खत्म हुई पुणे में, आज भी वो मूर्ति लोग देखने आते हैं। कोई और नाना साहेब कर्माकर को पद्मश्री दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में, वो ऐसी मूर्ति बनी। 7 साल लगे उस मूर्ति को बनने। इनको इतिहास नहीं मालूम। मैं मराठी थोड़ी बहुत समझता हूं, नाना पटोले साहब जो बोल रहे थे मुझे समझ में आ रहा था। बिना पढ़े, बिना इतिहास को पढ़े फडणवीस जी बोलने चले आते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने चली आती है। महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ और धोखा सीधा प्रधानमंत्री ने किया। क्या जरूरत थी सितंबर में आप किसी को काम देते हो, एक नौसिखिए को काम देते हो, दिसंबर में 3 महीने में मूर्ति बन जाती है। जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव आ रहा था। अयोध्या में राम के साथ भी यही किया, भगवान राम के वहां मंदिर में पानी गिर रहा है, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई। ये हालत है। पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। अरे छोड़िए 2047 का विजन, कोई पुल तो ठीक बना के दिखाइए, अटल सेतु की हालत देखिए। बात राजे की मूर्ति से कहीं ज्यादा है। बात यह है कि राजे की मूर्ति तो अब गिरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजे के आदर्शों को बहुत पहले गिरा दिया। जो राजे की सेनापति मुसलमान होंगे, बताइए ये सीखे उनसे कुछ? बहिण जी नायक गुप्तचर विभाग का प्रमुख दलित, सीखे हैं क्या उनसे? ये राजे से कुछ ये सीख ही नहीं सकते राजे से। एक से एक उदाहरण राजे की जिंदगी का, राजे के पूरे कार्यकाल का अगर आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, आप तो सब पढ़े हुए हैं मंच पे जो बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम छत्रपति शाहू जी के साथ बैठे हैं हम। लेकिन पढ़ के अगर आप देखेंगे तो भाजपा को एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप।